हे एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भाई हम लोग जो है अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने वाले हैं। एंड इसके लिए हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग बेसिकली अपने फ़ोन की कुछ सेटिंग्स करने वाले एक दो, और उसके बाद आप लोग को अपने फ़ोन की ऑलमोस्ट 2x परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। अब चाहे आप लोग बात कर लो गेमिंग की या फिर एडिटिंग की, हर किसी में आप लोग को जो है परफॉर्मेंस का बूस्ट देखने को मिलेगा अपने फ़ोन के अंदर। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि भाई आप लोग वीडियो में जो है लास्ट तक के बने रहो, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। एंड अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ पाता है तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो चलो भाई, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग अपने फोन की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने कैसे वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली परफॉर्मेंस मोड नाम के एक ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं, जो कि आप लोग के फोन की बैटरी की सेटिंग्स के अंदर मिलता है। एंड भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लिटरली बैटरी की सेटिंग्स के अंदर ही ये वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड इसीलिए भाई ये वाला ऑप्शन हमसे अभी तक के छुपा हुआ था, क्योंकि भाई बैटरी के अंदर दे रखा है, बैटरी की सेटिंग्स वगैरह हम लोग उतना ज़्यादा चेक नहीं करते, इसलिए मुझे अभी तक के इसके बारे में पता भी नहीं था। लेकिन जैसे मैंने इस वाले ऑप्शन को ट्राई किया भाई, परफॉर्मेंस में मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला अपने फ़ोन के अंदर। एंड स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला पहले के मुकाबले। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना कैसे। तो आप लोगों ने सिंपली अपने फोन की सेटिंग्स के अंदर जाना है, उसके बाद आप लोगों ने अपने बैटरी वाली सेटिंग्स के अंदर जाना है। एंड अब इसके बाद आप लोग को अपने डिवाइस के हिसाब से दो टाइप की सेटिंग्स मिल सकती है। सबसे पहले तो अगर आप लोग के पास रियलमी, ओप्पो, वीवो इस टाइप की कंपनीज के डिवाइसेज या इनसे रिलेटेड किसी कंपनी के डिवाइस है, तो आप लोग को यहाँ पे एक मोर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोगों ने बेसिकली उस पर क्लिक करना है। देन उसके अंदर आप लोगों को सबसे ऊपर परफॉर्मेंस मोड नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे, आप लोग को इन तीन ऑप्शंस और देखने को मिल जाएंगे, जो रहने वाले हैं नो परफॉर्मेंस मोड, हाई परफॉर्मेंस मोड एंड हमारा जो रहेगा स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड। एंड सिमिलरली अगर आप लोग जो है रेडमी वगैरह के डिवाइसेस यूज़ करते हो या रेडमी टाइप की किसी कंपनी के डिवाइस यूज़ करते हो, तो उसमें आप लोग को ये सेटिंग कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाएगी। एंड वहाँ पे लिखा रहेगा बेसिकली पावर मोड, परफॉर्मेंस मोड एंड हमारा जो है बैलेंस मोड। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोगों ने इन ऑप्शंस को यूज़ करना कैसे है। तो देखो भाई, जब भी हमें अपने फ़ोन में हैवी टास्क करना हो लाइक गेमिंग एंड एडिटिंग वगैरह, तब हमें सिंपली अपने बैटरी के ऑप्शन में जाना है, इन्हीं सेटिंग्स को खोलना है एंड हमेशा अपने फ़ोन को जो है परफॉर्मेंस मोड में कर देना है। अब रेडमी का फ़ोन है तो भाई उसमें तो आप लोग डायरेक्टली परफॉर्मेंस मोड कर दोगे, लेकिन अगर रियलमी का है तो आप लोग जो है हाई पावर मोड में कर देना है, हाई परफॉर्मेंस मोड में कर देना है अपने फ़ोन को। अब ऐसा करने से आप लोग को परफॉर्मेंस तो अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन एक छोटा सा डिसएडवांटेज आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा कि आप लोग का फ़ोन हीट जो है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा करेगा एंड बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। बैटरी कंजम्पशन तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फ़ोन हीट बहुत होता है, तो भाई हीटिंग के लिए थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा लेना, फ़ैन वगैरह खरीद लेना अपने फ़ोन के लिए। और जैसे ही भाई आप लोग का गेमिंग वगैरह करके हो या फिर एडिटिंग वगैरह करके हो, उसके बाद आप लोगों ने सिंपली अपनी सेटिंग्स के अंदर अगेन जाना है एंड परफॉर्मेंस मोड को ऑफ कर देना है। तो इस टाइप से आप लोग जो है बेसिकली अपने परफॉर्मेंस मोड को यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी डिवाइस के अंदर, परफॉर्मेंस मोड कह लो या फिर हाई परफॉर्मेंस मोड कह लो। एंड ट्रस्ट में भाई ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अगर मैं अपने डिवाइस की बात करूं तो मैं रियलमी 9 ऐसे यूज़ करता हूं, और इसमें 60 FPS मुझे डिफॉल्टली इनेबल्ड देखने को मिलता है, और मेरा फ़ोन अच्छा खासा परफॉर्म कर भी लेता है। लेकिन जब भी मैं इवेंट में जंप करता था, तो भाई इवेंट में लिटरली 10 से 15 सेकंड मेरा फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा लैग करता था एंड स्टेबल हो ही नहीं पाता था मेरा फ़ोन, इसलिए मैंने इवेंट में लैंड करना ही छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस वाले ऑप्शन को यूज़ किया, उसके बाद से भाई इवेंट में मेरी एकदम स्मूथ लैंडिंग हो जा रही है एंड इवेंट में मेरा लिटरली गेम लैग ही नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस वाले ऑप्शन ने मेरी परफॉर्मेंस को कितना ज़्यादा लेवल पर बूस्ट कर दिया है। एंड इसी टाइप के ऑप्शन के ऊपर मैं एक पूरी फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपने एंड्रॉइड फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। 2-4 दिन और लग जाएंगे उस वाली वीडियो को, क्योंकि भाई मैं जितने सारे ऑप्शन आप लोग को एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिलते हैं, जो भी आप लोग की जो है गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, मैं सभी को एक ही वीडियो में कंबाइन करके। तो अगर आप लोग को इस वाली वीडियो को देखना है, तो जब वीडियो डल जाएगी मैं लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर कर सकते तो भाई सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे ही वीडियो डलती है नोटिफिकेशन भी आप लोग के पास आ जाएगा। तो बस ये था आज की इस वाली वीडियो में, होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। एंड आप लोग का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इस वाले ऑप्शन के साथ, मुझे आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हो, मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करता हूँ। एंड अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है जिन पर मैं वीडियोस बना सकता हूँ फ्यूचर में, तो वो भी आप लोग डेफिनेटली मुझसे कमेंट करके कह सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।